빨리 붙어라. एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली 24 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद हम पहुंचे हैं सागाड़ा, जो एक हिल स्टेशन है। तो आप मेरे बैक साइड देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने टाइम बाद, एटलीस्ट 2 साल बाद मैं किसी हिल स्टेशन आई हूँ और मुझे इंडिया जैसी फील आ रही है। इंडिया जैसे हिल स्टेशन होते हैं वैसे ही, हमारे लिए इतना ठंडा नहीं लग रहा है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। और 24 घंटे ट्रैवल किया, तो कल रात को पहुँचे थे, परसों रात को हम चढ़े हैं चलने के लिए सागाड़ा, और कल रात को पहुँचे हैं। बस डिनर किया, रास्ते में सिर्फ एक व्यू देखा था छोटा सा, जो बान्यों में है, रास्ते में ही आता है बान्यो, तो वहाँ बस हम रुके थे और थोड़ा सा देख के वहाँ लंच किया और बस चल दिए और यहाँ पहुँचे हैं। तो ये एक हाउस है, किसी का होम है, तो वहीं पर ये स्टे कर रहे हैं हम सब। तो यहाँ पे हमारे साथ 7-8 फैमिली हैं जिनके साथ ये सडनली प्रोग्राम बना, जाना था कहीं और पहुँच गए यहाँ। आज के ही दिन जाना था दुबई, लेकिन कहते ना भगवान को कुछ और मंजूर होता है, तो इसलिए हम यहाँ सागाड़ा आ गए, क्योंकि दुबई का कैंसिल हुआ ट्रिप और हमें हिल स्टेशन आना हुआ। तो देखो मेरे बाल कितने अच्छे से हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा। तो मैं आपको एक क्विक सा व्यू दिखाती हूँ, तो आपको भी बहुत अच्छा। तो ये है फिलिपिन का हिल स्टेशन, यहाँ बच्चे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये हिल्स पर ही छोटे छोटे घर बने हैं और ऊपर ट्री देखो, अमेजिंग अमेजिंग। इतनी तेज हवा चल रही है ना, इतनी तेज, क्या बताऊँ मैं आपको। तो बस मैं तो यहाँ एक्चुअली सारी जो फैमिली है वो चले गए हैं केव में, और मैं वहाँ नहीं जा सकती थी कृषि को लेके, क्योंकि जो केव है वो उधर ट्रैकिंग है, तो छोटे बेबी के साथ जाना मुश्किल था, इसलिए मैं नहीं गई। तो मैं बस बेबी की केयर कर रही हूँ, बेबी सिटिंग कर रही हूँ, कृषि सो रहा है, बाकी सब चले गए हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला है कि वहाँ पर थोड़ा बहुत शूट कर लेना, तो मैं इस ब्लॉग में आपको वो भी दिखा दूँगी यहाँ का केव। और बस ब्रेकफास्ट मैं करके आ गई हूँ, तो ब्रेकफास्ट भी जो है वेज है, साथ में ही हमें मिलता जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी अंदर जाती हूँ कि अब ज़्यादा देर बाहर रहना भी ठीक नहीं है। कृषि सो रहा है और आज मैंने न्यू आईलाइनर भी लगाया है ब्लू कलर का। ये देखिए, ये हैं रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर छोटे छोटे, और यहाँ पे मेरा रूम है। तो जैसे हिल स्टेशन पे जाते हैं वैसे ही, एक्चुअली मैं रूम के बैक साइड पर आ गई हूँ, तो मैं आपको बैक साइड का भी व्यू दिखाना चाहूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो, ऐसे
से मतलब ये हट आने की वजह से ना दिख नहीं रहा, तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। वैसे तो नीला आसमान होता है, लेकिन ये काला आसमान है। यकीन नहीं होता। तो सगाड़ा आने में 2 दिन तो लग ही गए हैं, क्योंकि बाय रोड आना था, हिल स्टेशन है इसलिए, तो 2 दिन लग गए। तो इसलिए अब हम अभी तो सब केव के लिए गए हैं, तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मे बी वो सब आएंगे लंच के टाइम पर, तो बस मैं अंदर रूम में जाती हूँ, क्योंकि ठंडा भी लग रहा है, कहीं मैं बीमार हो गई तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं रूम में जाती हूँ, और फिर आपसे बाद में मैं मिलूँगी फ्रेंड्स। तो बस चलो चलते हैं, अंदर बैठते हैं, और आपको और सगाड़ा की खूबसूरत सी मैं वादियाँ दिखाऊंगी। तो यहाँ सगाड़ा के बाद हम कहीं और भी जाएंगे, आई थिंक आज ही निकल जाएंगे उधर। वो भी एक हिल स्टेशन है, तो वहाँ पर मैं पहले भी जा चुकी हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा हिल स्टेशन लगा था। तो वो है बागयो, तो वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन। अगर टाइम स्पेंड करना हो, अगर आप फिलीपीन में विंटर्स मिस करते हो, तो बेस्ट है कि आप लोग बागयो आ जाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ बाद में। जंगल, तो जंगल में ही ये कॉफिन बना रखे हैं, तो हम बस वही देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ आपको हेंस दिखेगी, मुर्गियाँ, और ये ऊपर सनफ्लावर्स है, बड़े अच्छे लग रहे हैं ये भी। आ रहा शोर मचा रहा, उससे अच्छा लग रहा है बड़ा। देखो छोटे से मुर्गी का बच्चा। सो क्यूट। तो चलिए फ्रेंड्स, मम्मी पिता क्यों नहीं जा सकते? वो लॉक है बेटा। क्यों लॉक है बेटा? गेट देखो ना, मैं जाकर देखूं। नहीं क्यों? तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको हैंगिंग कॉफिन। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आई हूँ यहाँ पर वाटरफॉल देखने। तो अभी ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए कवर कर लिया अपने आप को। तो चलिए, और लंच हो गया है सबका, तो चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारी फैमिलीज हैं जिनके साथ हम आए हैं। अभी तो किचनो उसका कब्रिस्तान, आ जाओ इधर उधर, चलो। गाइस दिस इज अ कब्रिस्तान। Story of behind this. Okay.
So that hanging coffins is the our traditional way to put or bury the dead. Until the American came, that's the 6 feet above the under the ground, that is a modernized cemetery. That's the one is 6 feet above the ground. So they still do like this or no more? Yep. It depends on if this Sagada people want to be buried there. Okay. But he should be 18 above, have married, have sons and daughters, and must be a full-blooded Igorot. Oh, okay.